स्पोर्ट्स वमन ऑफ द ईयर गोजता करीम अनिता बहुत बहुत आपको मुबारक हो एम एम ए नो एम एम एज समथिंग विच इज क्वाइट यूनिक एंड अनकन्वेंशनल इन टर्म्स ऑफ अ चॉइस ऑफ करियर फॉर वुमेन बट इट्स ग्रेट टू सी दैट समाइक यू हैज कम फॉरवर्ड हुई आई मीन आपका ये इंटरेस्ट कैसे डेवेलप मेरा शुरू से इंटरेस्ट था क्योंकि बचपन से यही होता है कि एक लड़की की बस एक ही ख्वाहिहिश होती है पढ़ाई और शादी मैंने इस इस चीज़ से हट के करना था अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला भाइयों का सपोर्ट मिला और मैंने अपने घर से ही स्टार्टिंग ली मैंने अपने घर से मिक्स मार्शल आर्ट से कि दुनिया में सबसे मुश्किल खेल खेल में समझा जाता है और पाकिस्तान में आई एम द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल फाइटर जो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रजेंट करती हूँ और स्टार्टिंग मैंने अपने भाइयों के साथ ही की और मैंने एक्सपीरियंस अपने पापा के ऊपर की थी यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो सारा काम था वो डैड पर था सो आई मीन इट्स ग्रेट टू सी कि यू नो यू यू गॉट सपोर्टिव मैन इन योर फैमिली इज वेल यू नो द काइंड हु रियली सपोर्टेड यू आई हैव स्पोकन अबाउट दिस थ्रू आउट टूडे बट आपका एक्सपीरियंस इस लिहाज से अच्छा रहा है फैमिली सपोर्ट वाइज फैमिली सपोर्ट वाइज बहुत अच्छा रहा है लेकिन जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया मेरे ट्रेनिंग के टाइम भाइयों को काफ़ी तंग किया क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में एक रूल होता है कि आपने शॉर्ट्स पहन के मतलब खेलनी पड़ती है क्योंकि वो चीज़ें नोट करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब चोट पड़ती है तो वो उन उन चीज़ों से आपको पॉइंट्स वगैरह वो आपको मिलती है तो वो चीज़ें जो थी भाइयों को बहुत सुननी पड़ी क्योंकि आपने शॉर्ट्स पहना कर अपनी बहन को मतलब खेल वो किया है